गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हमने पिछली कक्षा में ब्लड ग्रुप्स पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि मनुष्य में एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर, एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर रुधिर समूहों को चार भागों में बांटा गया है। वैसे मैंने आपको बताया कि मानव के अंदर एंटीजन्स पाए जाते हैं, उस एंटीजन के आधार पर रुधिर समूहों को दो तंत्रों में बांटा गया है, एबीओ तंत्र और आरएस तंत्र। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो आरएच तंत्र पर आपसे बातचीत करेंगे, जिसे आरएच कारक भी कहा जाता है, आरएच तंत्र या आरएच कारक। आइए बात करते हैं आरएच कारक के बारे में। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएच सिस्टम, या तो आरएच सिस्टम बोल सकते हैं या आरएच फैक्टर। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि आरएच सिस्टम या आरएच कारक की खोज किसने की। आरएच सिस्टम या आरएच कारक की जो खोज की गई थी वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैड स्टीनर। कार्ल लैड स्टीनर और इनके एक साथी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वीनर। कार्ल लैड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने 1940 में आरएच कारक की खोज की थी। आरएच कारक की खोज किसने की थी? कार्ल लैड स्टीनर और वीनर नाम के वैज्ञानिक ने 1940 में आरएच तंत्र या आरएच कारक की क्या की थी? खोज की। इन्होंने इस आरएच कारक की खोज रिसस बंदर में की। कार्ल लैड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने आरएच कारक या आरएच तंत्र की जो खोज की थी वो कौन से बंदर में की थी? रिसस बंदर में की थी। ये रिसस बंदर दक्षिण अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। देखो रिसस मंकी, इसलिए इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं? आरएच के द्वारा क्या है दर्शाते हैं। रिसर्च बंदर में इसे खोजा गया तो रिसर्च की स्पेलिंग ये हो गई RHESUS, तो इसको आरएच के द्वारा हम क्या करते हैं दर्शाते हैं, यानी कि रिसर्च बंदर में इसको क्या है खोजा गया। आपको बता दें मनुष्य और रिसर्च बंदर के रुधिर में, मनुष्य और रिसस बंदर का जो रुधिर होता है उस रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर आरएच प्रतिजन या आरएच एंटीजन पाए जाते हैं। आरएच एंटीजन कहां पर पाए जाते हैं आपसे पूछा जाए तो मनुष्य और बंदर की जो रुधिर होता है, मनुष्य और बंदर का रुधिर में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं आरबीसी होते हैं, जिन्हें रक्ताणु कहते हैं, जिन्हें इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, उनकी सतह पर क्या पाए जाते हैं? आरएच प्रतिजन पाए जाते हैं, ठीक है, या आरएच कारक पाया जाता है या आरएच तंत्र पाया जाता है। तो आरएच प्रतिजन जो होते हैं वो मनुष्य और बंदर के रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर क्या है पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर पाया जाता है। तो रिसस बंदर और मनुष्य
इन दोनों के अंदर क्या है, लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है रुधिर के अंदर, और लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर क्या पाए जाते हैं, आरएच प्रतिजन पाए जाते हैं, आरएच एंटीजन पाए जाते हैं। प्रतिजन को हम एंटीजन भी कहते हैं। प्रतिजन की परिभाषा कल हमने आपको बताई, वे आंतरिक एवं बाह्य प्रोटीन, वह आंतरिक व बाह्य प्रोटीन जो मनुष्य में प्रतिरक्षा के निर्माण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, या वे कारक जो मनुष्य में, वे कारक जो मनुष्य में किसके निर्माण की क्रिया को प्रेरित करते हैं, प्रतिरक्षा के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करते हैं, एग्लुटिन के निर्माण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, उन्हें आरएच प्रतिजन कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एंटीजन कहते हैं। और मैंने बताया आरएच प्रतिजन जो होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, मनुष्य और बंदर के आरबीसी की सतह पर क्या है, पाए जाते हैं। देखिए आरएच एंटीजन को ही आरएच कारक कहा जाता है, आरएच एंटीजन को ही क्या कहा जाता है, आरएच कारक कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि आरएच कारक किसे कहते हैं, आरएच फैक्टर क्या है, तो आरएच एंटीजन को ही आरएच कारक कहा जाता है, आरएच एंटीजन को ही क्या कहा जाता है, आरएच कारक कहा जाता है। देखिए बात करते हैं कि आरएच कारक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ आरएच फैक्टर। देखिए आरएच कारक दो प्रकार के होते हैं, एक आरएच धनात्मक होते हैं और दूसरे कौन से हैं, आरएच ऋणात्मक। एक को आर एच पॉजिटिव बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, आर एच नेगेटिव कहते हैं। देखिए आर एच पॉजिटिव क्या है, आपको बता दूं, ऐसे व्यक्ति जिनके आरबीसी की सतह पर क्या पाए जाते हैं, प्रतिजन पाए जाते हैं। आर एच प्रतिजन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आरएच पॉजिटिव कहते हैं, या हम कह सकते हैं वे व्यक्ति जिनके रक्ताणु में आरएच प्रतिजन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आरएच पॉजिटिव कहा जाता है। आपको बता दें भारत में आरएच पॉजिटिव व्यक्ति 93% पाए जाते हैं, यानी कि भारत में 93% लोगों का रुधिर कैसा है, आरएच पॉजिटिव प्रकार का है। भारत में 93% लोगों का रुधिर कैसा प्रकार का है, आरएच पॉजिटिव प्रकार का है। और आरएच पॉजिटिव किसे कहते हैं, वे व्यक्ति जिनके रक्ताणु में आरएच प्रतिजन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आरएच पॉजिटिव कहते हैं, या सच लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्टिंग द आर एच एंटीजन इन इरिथ्रोसाइट और इन आरबीसी सरफेस दैट इज नोन एज आर एच पॉजिटिव। तो वे व्यक्ति जिनके रक्ताणु में आर एच प्रतिजन या एंटीजन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आरएच पॉजिटिव कहते हैं। अब बात करते हैं आरएच नेगेटिव किसे कहते हैं, क्या आरएच नेगेटिव किसे कहते हैं, देखो ध्यान से सुनो, जिन व्यक्तियों के रक्ताणु के अंदर आरएच प्रतिजन पाए जाते हैं वो आरएच पॉजिटिव, और जिन व्यक्तियों के रक्ताणु में या जिनकी लाल रुधिर कणिकाओं में आरएच प्रतिजन आरएच एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, वे व्यक्ति जिनके रक्ताणु में या आरबीसी में आरएच एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, आरएच प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आरएच नेगेटिव कहते हैं। परिभाषा हुई, वे व्यक्ति जिनके रक्ताणु में आरएच प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं उन्हें आरएच नेगेटिव या आरएच ऋणात्मक कहते हैं, क्या कहते हैं, आरएच ऋणात्मक। और आपको बता दूं भारत के अंदर केवल 7% लोग जो हैं उनका रुधिर आरएच नेगेटिव होता है, अर्थात भारत में 7% जो लोग होते हैं उनका रुधिर आरएच कैसा होता है, नेगेटिव होता है।
ठीक है, भारत के 7% लोगों का रुधिर आरएच नेगेटिव होता है और 93% लोगों का रुधिर कैसा होता है, आरएच पॉजिटिव होता है। देखिए आरएच तंत्र से संबंधित हम यहां पर कुछ विशिष्ट चीजों पर, विशिष्ट टीचिंग पॉइंट्स पर हम आपसे यहां पर बात करेंगे, जिनमें पहला बिंदु है जिसे हम बोलते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन। क्या बोलेंगे, आइसो इम्यूनाइजेशन पर हम आपसे क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। आइए देखिए आइसो इम्यूनाइजेशन, अगला टॉपिक जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा आइसो इम्यूनाइजेशन। आइसो इम्यूनाइजेशन हम यहां पर इंग्लिश में लिख रहे हैं आइसो इम्यूनाइजेशन, आइसो इम्यूनाइजेशन, आइसो इम्यूनाइजेशन। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो इम्यूनाइजेशन, इस पर हम बात करते हैं। देखिए आपको पता है कि मनुष्य के शरीर के अंदर रुधिर पाया जाता है और भारत में जितने भी व्यक्ति पाए जाते हैं या जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं उन सभी का रुधिर समूह कैसा होता है, अलग अलग होता है, सभी का रुधिर समान नहीं होता है। एक व्यक्ति है जिसका रुधिर समूह ए है तो उसके रुधिर के अंदर जो प्रतिजन है, प्रतिजन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंटीजन बोलते हैं। तो ए रुधिर समूह वाले व्यक्ति के अंदर प्रतिजन कौन सा पाया जाता है, ए पाया जाता है, परंतु इस ए प्रतिजन के साथ यहाँ पे जो प्रतिरक्षी पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है, वो कौन सी पाई जाती है, इसकी जस्ट रिवर्स पाई जाती है, यानी कि बी पाई जाती है। यानी कि रुधिर समूह ए में प्रतिजन तो ए है और प्रतिरक्षी क्या है, बी है। इसी तरीके से हमने आपको कल बताया कि रुधिर समूह बी है तो उसमें प्रतिजन क्या पाया जाता है, बी पाया जाता है, परंतु उसमें प्रतिरक्षी उसके जस्ट रिवर्स पाई जाते हैं, उल्टी पाई जाती है, क्या पाई जाती है वहां पे, ए पाई जाती है। बात क्लियर समझिए, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो रुधिर होता है उसमें प्रतिजन, प्रतिजन के साथ क्या पाई जाती है, प्रतिरक्षी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, प्रतिजन जिसमें पाया जाता है उसके साथ प्रतिरक्षी भी पाई जाती है। प्रतिजन मैंने आपको बताया रक्ताणु की सतह पर पाए जाते हैं और प्रतिरक्षी जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ऐसा हमने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, प्रतिरक्षी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, प्रतिजन किस में पाए जाते हैं, इरिथ्रोसाइट या आरबीसी की सरफेस पर क्या है, पाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं आइसो इम्यूनाइजेशन पर। ठीक है, देखिए आरएच प्रतिजन के लिए, कौन से प्रतिजन के लिए, आरएच प्रतिजन के लिए मनुष्य के शरीर में पहले से ही कोई प्राकृतिक एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ठीक है, आप देखिए मैं एक मनुष्य हूं, ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम मान लीजिए हमने सचिन नाम लाया, ये सचिन नाम का एक व्यक्ति है। ठीक है, और इस सचिन नाम के व्यक्ति के अंदर क्या पाए जाते हैं, आरएच प्रतिजन पाए जाते हैं। इस व्यक्ति के अंदर क्या पाए जाते हैं, आरएस प्रतिजन पाए जाते हैं। अब इसमें आरएस प्रतिजन पाए जाते हैं इसका मतलब सचिन का जो रुधिर समूह है वो कैसा है, आरएस पॉजिटिव हो गया। ठीक है, सचिन का रुधिर कैसा है, आरएस पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको पता है कि सचिन के रुधिर में आरएस प्रतिजन, आरएस प्रतिजन तो यहां पर पाया जाता है, परंतु इस आरएस प्रतिजन के विरुद्ध क्या नहीं पाई जाती है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा नहीं पाई जाती है। भाई यहां पे जैसे हमने बताया कि एक व्यक्ति है जिसका रुधिर समूह ए है और उसमें प्रतिजन क्या है, ए है, यहां पे प्रतिजन तो क्या है, यहां पे पाए जा रहे हैं, आरएस पॉजिटिव है, परंतु यहां पे देखिए इसमें रुधिर समूह ए वाले के अंदर प्रतिजन ए है तो यहां पे प्रतिरक्षी क्या है, बी है। पर आप यहां देख रहे हो सचिन नाम के व्यक्ति के अंदर प्रतिजन तो क्या है, आरएस पॉजिटिव है। ठीक है, परंतु सचिन के शरीर के अंदर पहले से कोई प्राकृतिक एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है, किसके विरुद्ध, आरएस प्रतिजन के लिए।
यानी कि आर एस प्रति जन के लिए मनुष्य के शरीर में, आर एस प्रति जन के लिए मनुष्य के शरीर में कोई प्राकृतिक एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा नहीं पाई जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये रुधिर समूह, ए रुधिर समूह मान लीजिए मनीष नाम के एक व्यक्ति का है, ए रुधिर समूह किसका है, मनीष नाम के व्यक्ति का है, तो इसके अंदर इसके रुधिर में प्रतिजन तो ए पाया जाता है, तो इसके विरुद्ध इसके शरीर में प्राकृतिक रूप से क्या पाई जाती है, प्रतिरक्षी भी पाई जाती है। परंतु ऐसे ही सचिन नाम के व्यक्ति के अंदर मत्ती के शरीर में आर एस प्रतिजन पाया जाता है, ठीक है, परंतु आर एस प्रतिजन के, आर एस प्रतिजन के लिए उस मनुष्य के शरीर में, कौन से मनुष्य के शरीर में, सचिन के शरीर में पहले से कोई प्राकृतिक प्रतिरक्षा नहीं पाई जाती है, नेचुरल एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो इसमें प्रतिजन तो पाया जा रहा है, आरएस प्रतिजन तो सचिन के शरीर में पाया जाता है, परंतु इसके शरीर में नेचुरल एंटीबॉडीज क्या है, नहीं पाई जाती है। सचिन के शरीर में नेचुरल एंटीबॉडीज क्या है, अनुपस्थित है, ठीक है। तो आरएस प्रतिजन के लिए मनुष्य के शरीर में पहले से कोई भी प्राकृतिक एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, परंतु जब इसी सचिन के शरीर में आरएस प्रतिजन युक्त रुधिर को क्या है, चढ़ा दिया जाए या अध्ययन कर दिया जाए, यदि सचिन के शरीर के अंदर, यदि उस मनुष्य के शरीर में आरएस प्रतिजन युक्त रुधिर को क्या किया जाए, उसके अंदर चढ़ा दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए, पहुंचा दिया जाए, ठीक है, तो पहुंचाने पर सचिन के अंदर आर एस प्रतिजन के विरुद्ध क्या है, प्रतिरक्षी क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। यानी कि यहां पर आर एस प्रतिजन उसके अंदर मौजूद है मनुष्य में, परंतु पहले से उसमें कोई, इसमें क्या नहीं पाई जाती है, प्राकृतिक एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। यहां तो हमारे रुधिर में क्या है, ए रुधिर है, प्रतिजन ए हो गया, पर इसमें साथ ही प्रतिरक्षी भी पाई जा रही थी। यहाँ पे मनुष्य है उसके अंदर आर एस प्रतिजन तो पाए जा रहे हैं, परंतु प्राकृतिक रूप से प्रति एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, परंतु जब उसी व्यक्ति के अंदर आर एस प्रतिजनों को क्या किया जाता है, स्थानांतरित करा दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, या उस व्यक्ति के द्वारा उस आर एस प्रतिजन युक्त रुधिर को ग्रहण कर लिया जाता है, तो ग्रहण करने पर उस मनुष्य के अंदर आर एस प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। आर एस प्रतिजन के विरुद्ध क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रतिरक्षा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और इसी प्रतिरक्षा के उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, आइसो इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसो इम्यूनाइजेशन कहा जाता है, अर्थात आर एस प्रतिजन, आर एस प्रतिजन के लिए, आर एस प्रतिजन के लिए मनुष्य के शरीर में पहले से ही, आर एस प्रतिजन के लिए मनुष्य के शरीर में पहले से ही प्राकृतिक प्रतिरक्षा नहीं पाई जाती है, परंतु जब उस मनुष्य में आर एस प्रतिजन युक्तों को स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो उसमें प्रतिरक्षा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। मैंने आपको देखिए आर एस प्रतिजन के लिए मनुष्य में, मनुष्य कौन सा है, सचिन, आर एस प्रतिजन के लिए मनुष्य में पहले से प्राकृतिक प्रतिरक्षा नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा नहीं पाई जाती है। परंतु जब उस मनुष्य में, ठीक है, आर एस प्रतिजन युक्तों को पहुंचा दिया जाता है, या आर एस प्रतिजनों को स्थानांतरित कर दिया जाता है, या आर एस प्रतिजनों का अध्ययन कर दिया जाता है, तो उसमें प्रतिरक्षा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जिसे आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और आइसो इम्यूनाइजेशन में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही एक ही जाति के होते हैं। आइसो इम्यूनाइजेशन में एंटीजन और एंटीबॉडी, प्रतिजन और प्रतिरक्षा एक ही जाति के होते हैं। बात क्लियर समझ में आ गई होगी, मैंने आपको परिभाषा बता दी है, ठीक है, कि आइसो इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं, तो आर एस प्रतिजन के लिए किसी मनुष्य में पहले से ही
प्राकृतिक प्रतिरक्षाएं पाई नहीं जाती है, परंतु जब उस मनुष्य में आरएस प्रतिजनों को क्या किया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो उस मनुष्य के अंदर प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है, जिसे आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। क्लियर बात है। अब मान लीजिए यदि एक आरएच नेगेटिव व्यक्ति है, ध्यान से सुनना है, आरएच नेगेटिव व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो आरएच नेगेटिव है। आरएच नेगेटिव का अर्थ क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिनके रक्ताणुओं में आरएच एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। तो आरएच एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, तो यदि आरएच नेगेटिव व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव रक्त दिया जाए, यदि आरएच नेगेटिव व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त दिया जाए, तो इस आरएच नेगेटिव व्यक्ति में प्रथम बार में ही ग्राही आइसो इम्यूनाई लक्षण क्या हो जाते हैं, प्रकट होने लगता है। पहली बार ही उसमें ग्राही कौन है, आरएच नेगेटिव है, इसमें आइसो इम्यूनाई लक्षण क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट होने लगता है। हमने ये बोला है कि यदि आरएच नेगेटिव व्यक्ति में आरएच पॉजिटिव युक्त तो मनुष्य का रक्त स्थानांतरित कर दिया जाए या अध्ययन कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि आरएच पॉजिटिव व्यक्ति का रुधिर आरएच नेगेटिव को दे दिया जाए, तो पहली बार में इस आरएच नेगेटिव व्यक्ति के अंदर आइसो इम्यूनाई लक्षण क्या हो जाते हैं, प्रकट होने लग जाते, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आइसो इम्यूनाइजेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो इम्यूनाइजेशन, अर्थात आरएच प्रतिजन के लिए किसी मनुष्य में पहले से प्राकृतिक एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, परंतु जब उस मनुष्य में, ठीक है, आरएच प्रतिजनों को स्थानांतरित किया जाता है, तो उसमें प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है, जिसे आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। देखिए आइसो इम्यूनाइजेशन के बाद हम दूसरे बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं, और वो बिंदु है हमारा एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। पहले आपको इसका शाब्दिक अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, एरिथ्रो का अर्थ होता है एरिथ्रोसाइट, जिनको बोलते हैं आरबीसी। एरिथ्रो का अर्थ होता है आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं। ब्लास्टोसिस का अर्थ होता है ब्रस्ट, ब्रस्ट का अर्थ होता है फटना, किसका फटना, आरबीसी का फटना। आरबीसी कहां फट रही है, फीटेलस, फीटेलस का अर्थ होता है भ्रूणी अवस्था में, एम्ब्रियो अवस्था के अंदर, अर्थात जब किसी भ्रूणी अवस्था में, ठीक है, जब कोई माता गर्भधारण अवस्था में होती है, या यानी कि जब किसी माता के गर्भ में भ्रूण पल रहा होता है, तो उस भ्रूण के अंदर आरबीसी फट जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस कहते हैं। अर्थात किसी भ्रूण की आरबीसी के फटने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। ये देखो, इस ये एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है, वंशानुगत रोग होता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस इज द हेरिडिटिकल डिजीज, कैसा डिजीज है, एक वंशानुगत रोग होता है, और ये वंशानुगत रोग किसके कारण होता है, आरएच कारक के कारण होता है। कौन से कारक के कारण होता है ये रोग, आरएच कारक के कारण होता है, और आरएच कारक के अंदर एक आरएच पॉजिटिव होता है, दूसरा कौन सा होता है, आरएच नेगेटिव होता है। आरएच पॉजिटिव जो होता है वो प्रभावी लक्षण होता है, आरएच नेगेटिव जो होता है वो कौन सा लक्षण होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। ये डोमिनेंट करैक्टर होता है और ये रेसेसिव करैक्टर होता है, ठीक है। देखिए हम यहां पे बात कर रहे हैं एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस,
ठीक है, ये एक वंशानुगत रोग होता है और आरएच कारक के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। आरएच कारक जो होता है उसमें आरएच पॉजिटिव, ये दो प्रकार का होता है, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। मैं अभी आपको बता चुका हूं, आरएच पॉजिटिव वे व्यक्ति होते हैं जिनके रक्ताणु में आरएच एंटीजन पाए जाते हैं, और जिनमें आरएच एंटीजन रक्ताणु में नहीं पाए जाते हैं वो आरएच नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आरएच पॉजिटिव प्रभावी लक्षण होता है, आरएच नेगेटिव कैसा होता है, अप्रभावी करैक्टर होता है। बात समझ में आ गई होगी। इस एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस रोग को, ठीक है, इस रोग से ग्रसित शिशुओं को रिसस शिशु भी कहा जाता है। इस रोग से ग्रसित जितने भी शिशु होते हैं उन्हें रिसस शिशु कहा जाता है। कौन सा? इस रोग से ग्रसित शिशुओं को कौन से शिशु कहा जाता है? रिसस शिशु कहा जाता है। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस रोग से ग्रसित शिशुओं को क्या कहा जाता है? रिसस शिशु कहा जाता है। और आपको बता दूं, इस प्रकार के जो शिशु होते हैं उनका जन्म समय से पूर्व हो जाता है, अर्थात इस प्रकार के रोग में माता का प्रसव जो होता है वो समय से कैसे हो जाता है? पहले हो जाता है। आपने सुना होगा 7 माह से 8 माह से कुछ बच्चों का जन्म, ठीक है, 7वें महीने में हो जाता है, वो पूर्ण गर्भावधि काल को पूरा नहीं कर पाते। कुछ बच्चों का जन्म 8वें मास में ही हो जाता है, वो 8 माह से कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शिशु जिनका जन्म समय से क्या हो जाता है? पूर्व हो जाता है। जिन शिशुओं का जन्म समय से पूर्व हो जाता है, इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग कहते हैं, और इस प्रकार इस रोग से ग्रसित शिशुओं को रिसस शिशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसस शिशु कहा जाता है। इन रिसस शिशुओं के अंदर क्या है, इनके शरीर के अंदर रक्त की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है, यानी कि रक्तल्पता रोग इनके अंदर पाया जाता है। इन शिशुओं के अंदर क्या पाई जाती है? रक्त अल्पता पाई जाती है। रक्त अल्पता एक मिनट, इसका अर्थ होता है एनीमिया। ठीक है, तो इन शिशुओं में क्या पाई जाती है? रक्त अल्पता या एनीमिया पाया जाता है। एनीमिया का मतलब है उनके अंदर यानी कि रक्त की क्या होती है? कमी पाई जाती है। और आपको बता दूं, इस शिशु का अगर हमें स्वस्थ रखना है, इस शिशु के जीवन को अगर बचाना है, तो उस शिशु के संपूर्ण जो रक्त उसके शरीर के अंदर है उस रक्त को क्या कर दिया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके अंदर स्वच्छ रक्त जो होगा उसका प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा। शेष शिशु जो होगा अगर वो जन्म भी ले लेता है तो ऐसे शिशु का संपूर्ण उसके शरीर में जो रक्त होता है उसको तो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा और स्वच्छ जो रुधिर होगा उसको उसके शरीर के अंदर क्या कर दिया जाएगा? स्थानांतरित या उसके शरीर में आध्यान करा दिया जाएगा। अर्थात इस प्रकार के शिशुओं को, शिशुओं के संपूर्ण रक्त को स्वच्छ रक्त के द्वारा क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तब जाकर के इन शिशुओं के जीवन को क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है। तो आपको हमने बताया एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस इस प्रकार के रोग से ग्रसित शिशुओं को रिसस शिशु कहते हैं, और रिसस शिशु के करैक्टर आपको समझ में आ गया होगा कि इस रोग का पहला करैक्टर होता है कि इस रोग के जो शिशु होते हैं वो जन्म से क्या हो जाते हैं? जन्म से पूर्व ही उनका क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। इनके शिशुओं के अंदर क्या पाए जाते हैं? इन शिशुओं में रक्तल्पता पाई जाती है। और तीसरा बिंदु हमने आपको बताया, यदि इनको, ठीक है, इनके जीवन को यदि हमें बचाना है तो, या इस रोग से उन्हें निदान करना है, तो उनके संपूर्ण रक्त को निकाल करके और स्वच्छ रक्त का क्या किया जाता है? प्रतिस्थापन किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका रिसस शिशु के करैक्टर। हमने दो बातें बता दी। अब हम आपसे बात करते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग किस कारण से होता है, किस कारण से रोग होता है, ठीक है, किस कारण से रोग उत्पन्न होता है। तो आपको बता दें, आरएच प्रतिजन युक्त रुधिर होता है। आरएच प्रतिजन युक्त रुधिर होता है। इसको आरएच प्रतिजन युक्त रुधिर मैं बोलूं तो मैं आरएच पॉजिटिव रुधिर, किसी व्यक्ति का रुधिर कैसा है? आरएच पॉजिटिव रुधिर है।
और उस आरएच पॉजिटिव रुधिर को यदि आरएच नेगेटिव व्यक्ति के अंदर क्या कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए, ठीक है, या आरएच प्रतिजन युक्त रुधिर को आरएच नेगेटिव व्यक्ति को देने पर इस आरएच नेगेटिव व्यक्ति के अंदर अपसामान्यताएं उत्पन्न हो जाती हैं, और अपसामान्यताएं उत्पन्न होने पर उस मनुष्य के अंदर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग उत्पन्न हो जाता है। मैंने आपको एक बार दोबारा बता रहा हूं कि आरएच प्रतिजन युक्त रुधिर या आरएच पॉजिटिव युक्त रुधिर जब आरएच नेगेटिव व्यक्तियों को क्या है, स्थानांतरित कर दिया जाता है या आध्यान कर दिया जाता है या चढ़ा दिया जाता है या दे दिया जाता है, तो उस आरएच नेगेटिव व्यक्ति के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है, अपसामान्यताएं एबनॉर्मेलिटीज उत्पन्न हो जाते हैं। उन एबनॉर्मेलिटी उत्पन्न होने पर जो रोग उत्पन्न होता है उसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग के नाम से उसे क्या है जाना जाता है। देखिए इस रोग को हम आपको एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग उत्पन्न होता है उसको हम समझाते हैं। देखिए आरएच नेगेटिव वाली स्त्रियां यदि आरएच पॉजिटिव युक्त शिशुओं को बार बार जन्म देती है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है, उनके अंदर आरएच कारक के कारण उनमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग उत्पन्न हो जाता है। और ये मैंने बताया कि ये एक आरएच कारक रोग होता है, और ये रोग कैसा होता है, वंशानुगत होता है, ठीक है, जहां पे आरएच पॉजिटिव प्रभावी होते हैं और आरएच नेगेटिव कैसे होते हैं, अप्रभावी होते हैं। अब हम आपको इसे समझाने के लिए देखिए किस तरीके से बता रहे हैं कि एक स्त्री है जिसका रुधिर कौन सा है, आरएच नेगेटिव है, ठीक है, एक स्त्री है जिसका रुधिर आरएच नेगेटिव है, और एक क्या है, पुरुष है, ठीक है, उसका रुधिर कौन सा है, आरएच पॉजिटिव है। यदि आरएच नेगेटिव स्त्री का विवाह आरएच पॉजिटिव पुरुष से क्या कर दिया जाए, आरएच नेगेटिव स्त्री का विवाह आरएच पॉजिटिव पुरुष से क्या है, करा दिया जाए। जब करा दिया जाएगा तो इन दोनों के द्वारा क्या किया जाएगा, जनन की क्रिया में भाग लिया जाएगा, ठीक है, कौन सी क्रिया में भाग लिया जाएगा, जनन की क्रिया में भाग लिया जाएगा। आरएच नेगेटिव महिला होगी, आरएच पॉजिटिव कौन होगा, पुरुष होगा, ठीक है। तो जब ये जनन की क्रिया में भाग लेंगे तो इनमें प्रथम जो शिशु इनके अंदर उत्पन्न होगा वो प्रथम शिशु कैसा होगा, आरएच पॉजिटिव होगा। प्रथम शिशु जो इनसे उत्पन्न होगा, ठीक है, प्रथम शिशु कैसा होगा, आरएच पॉजिटिव होगा। प्रथम शिशु कैसा होगा, आरएच पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखने की बात। जब आरएच नेगेटिव स्त्री का विवाह आरएच पॉजिटिव पुरुष से करा दिया जाए तो कराने के पश्चात मैथुन की क्रिया अर्थात जनन की क्रिया में भाग लेंगे, और जनन की क्रिया के पश्चात इनके द्वारा प्रथम शिशु को जन्म दिया जाएगा, और वो प्रथम शिशु कैसा होगा, आरएच पॉजिटिव होगा। और ये शिशु सामान्य रूप से क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, सामान्य रूप से आरएच पॉजिटिव शिशु सामान्य रूप से क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। क्यों हो जाता है सामान्य रूप से पैदा, ध्यान से सुनना, क्योंकि इनके जन्म के समय कौन से, आरएच पॉजिटिव जो शिशु होता है जब माता के गर्भ में होता है, आरएच पॉजिटिव शिशु जब माता के किस में रहता है, गर्भ में रहता है, ध्यान से सुनना है। तो जन्म के समय आरएच प्रतिजन किसके होते हैं, पिता के होते हैं, ये माता के अंदर क्या है, माता के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो माता के रक्त में चले जाते हैं, यानी कि आरएच पॉजिटिव रक्त जो होता है वो माता के आरएच नेगेटिव रक्त में क्या है, विकसित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो जन्म के समय आरएच प्रतिजन युक्त रुधिर जो होता है वो स्त्री के रक्त में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, और स्त्री के रक्त में जाने के पश्चात इसमें स्त्री के रक्त में जाने के पश्चात आरएच नेगेटिव मादा में
आर एच नेगेटिव मादा में, ये आर एच नेगेटिव मादा है, इसमें पुरुष के कौन से आ गए हैं, आर एच पॉजिटिव रक्त आ गया है, और आर एच पॉजिटिव रक्त किससे मिल गया है, आर एच नेगेटिव रुधिर से क्या है, मिल गया है। ठीक है, तो आर एच नेगेटिव माता के रक्त में क्या है, आर एच पॉजिटिव रक्त क्या है, चला गया। और जाने के पश्चात आर एच नेगेटिव जो स्त्री होगी, उस आर एच नेगेटिव स्त्री में आर एच प्रतिजन के विरुद्ध, क्योंकि ये आर एच प्रतिजन यहां पे आ गए हैं, और इन आर एच प्रतिजनों के विरुद्ध यहां पर किसका निर्माण होगा, प्रतिरक्षा का क्या होगा, निर्माण होगा। क्योंकि आपको मैंने बताया कि आर एच नेगेटिव महिला के अंदर आर एच प्रतिजन के विरुद्ध, ठीक है, पहले से क्या नहीं पाए जाते हैं, प्राकृतिक प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं, परंतु जैसे ही आर एच नेगेटिव के पास आर एच पॉजिटिव का रक्त आ जाता है, तो जैसे ही आर एच पॉजिटिव का रक्त मादा के गर्भाशय में चला जाता है या पहुंच जाता है, तो उस शिशु के निर्माण की क्रिया के दौरान तो यहाँ पे जो प्रतिरक्षा होती है, ठीक है, उसका क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तो आर एच प्रतिजन जो होते हैं, उस आर एच प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा का क्या होता है, निर्माण होता है। तथा इनका, इन प्रतिरक्षाओं के निर्माण होने में क्या लग जाता है, अधिक समय लग जाता है, और अधिक समय लगने के कारण प्रथम जो शिशु होता है, इन दंपत्ति का जो प्रथम शिशु होता है वो आर एच पॉजिटिव होता है, और ये शिशु जो होता है वो सामान्य रूप से क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। तो पहला बच्चा, पहला गर्भधारण अगर उनके द्वारा किया जाता है, स्त्री के द्वारा, तो उनका बच्चा पहला कैसा हो जाता है, सामान्य हो जाता है। कैसा हो जाता है, समान हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये आर एच पॉजिटिव युक्त रुधिर जैसे ही माता के अंदर, माता के रुधिर के अंदर पहुंचेगा, तो ये आर एच नेगेटिव यानी कि जो स्त्री होती है उसका रुधिर आर एच नेगेटिव होता है, और ये आर एच प्रतिजन युक्त रुधिर जब स्त्री के अंदर पहुंच जाएगा, तो माता के अंदर चला जाएगा, तो आर एच नेगेटिव जो स्त्री होगी उसमें आर एच प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा का निर्माण होता है। ये प्रतिरक्षा का निर्माण बहुत ही धीमी गति से होता है, इसके निर्माण में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, और इतने समय तक इनका निर्माण होता है, उससे पहले क्या है, प्रथम शिशु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ये शिशु सामान्य रूप से क्या ले लेता है, जन्म ले लेता है, परंतु ये तो क्या है, प्रथम गर्भधारण करने के समय की बात है, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम, फर्स्ट गेस्टेशन पीरियड की बात कर। यदि यही स्त्री और पुरुष दोबारा से क्या है, यदि मैथुन की क्रिया करते हैं, और ये माता, ये स्त्री दूसरा क्या करती है, गर्भ धारण करती है, ये महिला दूसरा क्या करती है, यदि गर्भ धारण करती है, ठीक है, तो ये स्त्री जैसे ही दूसरा क्या करेगी, गर्भ धारण करेगी, तो गर्भ धारण करने के समय, ठीक है, जो पहला शिशु था वो कैसा था, आर एच पॉजिटिव था, और आर एच पॉजिटिव होने से स्त्री के अंदर, ठीक है, प्रतिरक्षा का क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। ठीक है, किसका निर्माण हो गया था, प्रतिरक्षा का निर्माण हो गया था। तो यहाँ पे आर एच प्रतिरक्षियों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आर एच प्रतिरक्षी जो होते हैं वो दूसरे गर्भधारण के समय प्लासेंटा द्वारा गर्भ परिवर्धनशील कहां पर पहुंच जाता है, परिवर्धनशील भ्रूण में पहुंच जाता है। किसमें पहुंच जाता है, परिवर्धनशील भ्रूण में पहुंच करके ये आरबीसी, ठीक है, परिवर्धनशील भ्रूण में पहुंच करके ये प्रतिरक्षा क्या काम करती है, लाल रुधिर कणिकाओं को क्या कर देती है, उनको लयन कर देती है। अर्थात यहाँ पे लाल रुधिर कणिकाएं क्या हो जाती है, उस परिवर्धनशील भ्रूण की क्या होती है, लाल रुधिर कणिकाएं क्या हो जाती है, फट जाती हैं, और लाल रुधिर कणिकाओं के फटने पर, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं के फटने पर जो द्वितीय गर्भ होता है, ठीक है, या द्वितीय जो भ्रूण होता है उसकी मृत्यु कहां पे हो जाती है, माता के गर्भ में ही हो जाती है, जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस डिजीज के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस रोग के नाम से इसे जाना जाता है। एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूं ध्यान से सुनने की बात है। जब आर एच नेगेटिव स्त्री का विवाह आर एच पॉजिटिव पुरुष से करा दिया जाए,
तो उनका प्रथम शिशु, उनसे उत्पन्न होने वाला प्रथम शिशु आरएस पॉजिटिव होगा और वो कैसा होगा? सामान्य होगा। क्यों होगा सामान्य? इसका मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि उनके जन्म के समय, क्योंकि इस प्रथम शिशु का जन्म के समय क्या होगा, आरएस प्रतिजन जो होते हैं वो माता के, आरएच जो प्रतिजन होते हैं वो माता के रक्त में क्या है, चले जाते हैं, ठीक है। आरएच प्रतिजन किसमें चले जाते हैं? माता के रक्त में क्या है, चले जाते हैं। और आरएच नेगेटिव जो स्त्री होती है, आरएच नेगेटिव स्त्री में आरएच प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा का निर्माण या प्रतिरक्षा, आरएच प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा बन जाती है, तथा इनके निर्माण की क्रिया में क्या लग जाता है, अधिक समय लग जाता है, इसलिए प्रथम शिशु आरएस पॉजिटिव होता है और सामान्य रूप से क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। यदि इसी दंपति के द्वारा दोबारा से जनन की क्रिया में भाग लिया जाए और स्त्री के द्वारा दूसरा गर्भ धारण किया जाता है, स्त्री के द्वारा क्या किया जाता है, दूसरा गर्भ धारण किया जाता है, तो उसका जो प्रथम शिशु था वो कैसा हुआ था, आरएस पॉजिटिव हुआ था, और आरएस पॉजिटिव जब हुआ था तो उससे पहले उसके अंदर किसका निर्माण हुआ था, प्रतिरक्षा का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और आरएस प्रतिरक्षी जो होती है वो दूसरे गर्भाशय, दूसरे गर्भ धारण के समय ये आरएस प्रतिरक्षी जो होती है वो प्लासेंटा द्वारा परिवर्तनशील भ्रूण में पहुंच करके आरबीसी का क्या कर देती है, लयन कर देती है, और आरबीसी के फटने के कारण द्वितीय जो भ्रूण होता है वो गर्भ में ही क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, गर्भ में ही मर जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था इरिथ्रो का अर्थ होता है आरबीसी, ब्लास्टोसिस का अर्थ होता है ब्रस्ट, ब्रस्ट का अर्थ होता है फटना, फीटेलिस का अर्थ होता है भ्रूण, ठीक है। ब्रस्ट ऑफ आरबीसी ऑफ एम्ब्रियो दैट इज नोन एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, यानी कि भ्रूणी अवस्था में आरबीसी के, ठीक है, फटने की क्रिया को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस रोग के बचाव या निदान किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस रोग का निदान करने के लिए, इस रोग से बचाव करने के लिए, इसका उपचार करने के लिए, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, इस रोग से बचने के लिए, ठीक है, यदि इस रोग से बचने के लिए हमें क्या करना है कि अगर प्रथम शिशु आरएस पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, यदि किसी दंपति के प्रथम शिशु कैसा हो जाता है, आरएस पॉजिटिव हो जाता है, तो उसके जन्म के बाद उस माता को एंटीडी का टीका लगवाना चाहिए, एंटीडी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। कौन सा टीका लगवाना चाहिए? एंटीडी का। एंटीडी का नहीं लगवाएं तो दूसरा आता है आईजीजी, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन जी, ये एक प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, उसको उसे देना चाहिए, ठीक है। एंटीडी, आईजीजी या फिर क्या है, एंटीआरएच इंजेक्शन, एंटीआरएच इंजेक्शन आते हैं मार्केट में, ये इंजेक्शन उस माता को क्या है, लगवाने चाहिए। यदि जिसका जिसका पिता, यानी कि जिसका नर कैसा हो, पॉजिटिव हो, और माता कैसी हो, नेगेटिव हो, और माता अगर नेगेटिव हो तो उन्हें एंटीडी का इंजेक्शन देना चाहिए, अगर प्रथम शिशु आरएच पॉजिटिव हो उसके पश्चात, या आईजीजी या एंटीआरएच इंजेक्शन उसे क्या है, लगवाना चाहिए। या फिर आपको मैं बता दूं, प्रसव से पूर्व भी, ठीक है, कि प्रसव से पूर्व लगभग 72 घंटे पहले, प्रसव होने वाला है उस प्रसव से लगभग 72 घंटे पहले, प्रसव से 72 घंटे पूर्व, आपको बता दें 72 आवर्स पहले, 72 घंटे पहले, ठीक है, आरएच नेगेटिव जो स्त्री होती है, आरएच नेगेटिव स्त्री होती है, उसको एंटीआरएच एंटीबॉडी
एंटी आर एच एंटीबॉडी इंट्रावीनस इंजेक्शन, इंट्रा वीनस इंजेक्शन उसे क्या है लगवाना चाहिए, ठीक है। और इस इंजेक्शन से लगा करके उन्हें इरेथ्रोब्लास्टोसिस पीटेली जैसे रोग से क्या है उनका बचाव किया जा सकता है, उनका क्या किया जा सकता है निदान किया जा सकता है। अतः प्रसव के लगभग 72 घंटे पहले, प्रसव से पूर्व लगभग 72 घंटे पहले, ठीक है, या 72 घंटे के अंदर आर एच नेगेटिव माता को या आर एच नेगेटिव स्त्री को एंटी आर एच एंटीबॉडी का इंट्रावीनस इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन लगा करके इस रोग से उस माता को और उसके बच्चे को क्या है बचाया जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ आरएच तंत्र या आरएच कारक क्या है समाप्त। मैंने आपको बताया आरएच एंटीजन को ही आरएच कारक कहा जाता है और आरएच कारक की खोज कार्ल लेड स्किनर और फीनर नाम के वैज्ञानिक ने 1940 में की और इन्होंने इनकी खोज रिसस बंदर के अंदर किसमें की थी, रिसस बंदर के अंदर। आरएच एंटीजन जो होते हैं वो मनुष्य और बंदर ये रुधिर में, रुधिर की रक्ताणु की सतह पर क्या है पाएगा। देखिए इसी के साथ आरएच तंत्र समाप्त हुआ। यदि आपको आरएच तंत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो डियर स्टूडेंट यू विल आस्क मी फ्रीली, ठीक है। आई विल टेक योर क्लास ऑन जूम ऐप, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बी पॉजिटिव एंड बी अलर्ट बाय कोरोना। थैंक यू वेरी मच।